से विपक्ष ने फिर हंगामा किया है विधानसभा में और सत्ता पक्ष फिर कमजोर की स्थिति में दिखी, क्या कहना चाहेंगे आप? सत्ता पक्ष बिल्कुल मजबूत है, विपक्ष का काम हंगामा करने का है, वो सदन चलने नहीं देती है। ये खुद अपने कारनामों पे नहीं ध्यान देते कि इन्होंने जिस प्रकार से देश के कानून की धज्जियाँ उड़ाई थी इमरजेंसी के अंदर, इन्होंने देश को शर्मसार किया था। जिस प्रकार से ये खुद के कारनामों पे नहीं देखते और सदन बिल्कुल चलने नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी सरकार भजन लाल जी सरकार बिल्कुल सही तरीके से काम करिए और संविधान के अनुरूप काम कर रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा हिंदू विरोधी काम करता है, हिंदू, लेकिन हिंदू सनातन धर्मी उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे और पहले 99 सलटा दिया, आने वाले 50 भी सलट जाएंगे। पर राजस्थान की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर के विकास की दृष्टि से राजस्थान को नंबर वन बनाने का काम करेगी। सर, जिस तरह राहुल गांधी ने बयान दिया था उस पर किस तरह से टिप्पणी? उनकी तो बुद्धि पर मुझे तरस आता है, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। हमेशा कांग्रेस के लोग हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, जबकि ये देश सनातन का है, ये देश वेद पुराण उपनिषदों के आधार पर ऋषियों मुनियों की परंपरा से चलने वाला देश है। निश्चित रूप से उनको हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। पक्ष कितना मजबूत है कि विपक्ष के हमलों को अच्छी तरह जवाब दे? काई का हमला महाराज, सरकार ने काम ही इतने किए हैं कि उनके पास कोई मसाला है ही नहीं। विपक्ष का काम विपक्ष करेगा और हमारा काम हम करेंगे और निश्चित रूप से सदन व्यवस्थित चलेगा और यहाँ पर जो सदस्य अपनी बात रखेंगे उनकी सरकार जवाब देगी और व्यवस्थित ढंग से जन समस्याओं का कैसे समाधान हो, पॉजिटिव होकर के हमारी सरकार काम करेगी। कि वो संविधान की रक्षा की दुआएं दें, बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। राहुल गांधी के बयान पर क्या कहना है आपका? लगातार मैं वो जिस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और उसने जिस निम्नतम स्तर पर उतरकर जो बयान दिया है, मैं उस पर टिप्पणी करने का मेरा मन नहीं है।